ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਅਤੇ ਝਿੜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 478 ਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जी वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। पर अज रोपड़ शहर के खड़े हैं जी, ज्ञानी जैल सिंह एक नगर है जिहड़ा इत्थे बड़ा पॉश एरिया रोपड़ शहर का, उत्थों एक अज मां नूं रेस्क्यू किया। मां आशा राणी वर्मा, उन्होंने हसबेंड लेट श्री हरिचंद वर्मा, वह भी एडवोकेट, मान लो एक हाईली एजुकेटड फैमिली। उन्होंने बेटा जी अंकुर वर्मा एडवोकेट, उन्होंने नूंह वह भी एक लैक्चरार, उन्होंने पोतरा प्लस वन के पढ़ रहा। मतलब तीनों मैंबर उस मां को घर के इस तरह कुट रहे जिवें जानवर कुटते। अज वो अपने पट्टे टोए खूह खुद ही डिग पे। अज वो खुद ही उन्होंने अपने लिए एक जाल बुनिया से फस गए। घर के सीसीटीवी कैमरा लगे हुआ सी रूम च माता दे। उन्होंने ये भी नहीं पता सी ये गुनाह साडा किसी होर चक्कर भी जा रहा, उन्होंने ऐसी भी साढ़े को एक्सेस। पर रब बड़ा विराट आ, उन्होंने ऐसा कौतक रचिया। अज तो 10-15 दिन पहला जो बेटी अपनी मां नूं मिलने गई, उन्हें देखिया मूंह सुजा होया, बुल सुजे, आंढी गुआढ़ियों ने दस्सिया भी तेरी मां नाल विहार सही नहीं करता तेरा बाप। तो उन्होंने मां नाल गल की, मां डरदी कुछ दसदी नहीं सी, कहिंदी नहीं ठीक आ, मैं डिग पी सी, वह भी क्या करन डिग पे सी, कोले खड़े रहन गल ना करन देन। पर एक मिनट का समा मिलिया उस भैन नूं, उस धी नूं, उन्हें मां दा फड़ाया होया फोन जिहड़े उहदे पिता जी दा सी, जिहड़े स्वर्गवास हो गए 2 साल पहला। उस फोन दे विच्चों कैमरे दा एक्सेस उन्होंने डाउनलोड कर लिया अपने फोन दे विच। ते ओ घरे आके जदों उन्होंने कैमरा ऑन किया तो उन्होंने देखिया 2-4 दिन की वीडियो दे विच भी किदां ओ किन्नी क्रूरता नाल कुट रहे ने मां नूं। उन्हें गल की तो वह उल्टा उन्हों दबके मारदा, उन्हें दस्या नहीं भी मेरे को सीसीटीवी फुटेज आ गई। उन्हें रिश्तेदार नाल गल की, 2-3 कॉन्फिडेंशियल रिश्तेदार कहिंदे नहीं असीं कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्हें भैण ने दीप शिखा मेहता, उन्हें साडे नाल गल की, खालसा कॉलेज आनंदपुर पढ़ाउंदी आ भैण, उहदे पति बिमल मेहता भी उत्थे पढ़ाउंदा। उन्होंने सानू रात वीडियो भेजी, असीं अज सवेरे तड़कियों इत्थे रोपड़ पहुंचे, SSP साहब दफ्तर च मिले। धन्नवाद करदे आ SSP साहब दा, SPD साहब नवनीत माहल जी दा, DSP साहब दा, SHO सिटी पवन कुमार जी दा, जिन्हां ने साडा पुरजोर साथ दिता। फिर करमजीत बाई जी दा, जिन्हां ने उपरों बैठिया ने सारिआं नूं तगीद कीता वी साडा साथ देण। असी पूरा प्रॉपर पेपर वर्क करके उत्थे घर गए, उस मां नूं रेस्क्यू करके लैके आए। जिहड़ा मां ने मीडिया दे सामने, पुलिस प्रशासन दे सामने कबूल किया भी हाँ मेरा पुत मैनूं कुटदा मार रहा, मैं डरदी दसदी नहीं सी भी मेरी धी दा नुकसान ना कर दे। हुण हॉस्पिटल च लैके आए हैं सिविल, जिथे उन्हां दे मैडिकल हो रहे ने, उन्हां दे शरीर दे उपर पूरे नील पए हुए ने, पूरा शरीर उन्हां दा लाछां खड़ियां ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ। ਬਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਗੁੱਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ, ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਆ, ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਪੁੱਟੇ ਪਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਰਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਜਾਨ ਸੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਝੱਲ ਗਈ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਚਲਿੰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਝੋੜਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡੀ ਹਾਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਦਾਗ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ 1-2 ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ।
मेरी फादर की डैथ है जिहड़ी वह भी मैं एकदम ही न्यूज सुनने नू आई सी। मैनू एक दिन पहला कहा गया भी डैडी नू बुखार हो गया होया है ना, वह जिहड़े हैगे उन्होंने मैनू यह कहा। फिर शाम को कहिंदे मैं पैरासीटामोल लै ली सी, मैं ठीक हो गया। फिर अगले दिन सवेरे जिहड़ी हैगी मैं उन्होंने 9 बजे वीडियो कॉल की, वह बिल्कुल ठीक सी। और 9:30-10 बजे मैनू यह न्यूज़ मिल गई कि उन्हों की डैथ हो गई हुई है। पर जदों मैं उन्होंने फोन गल की सी तो वह बिल्कुल ठीक सी, इस करके मैनू समझ नहीं आई भी उन्होंने डैथ क्यों हुई। ये अपने कोल पेशेंट जिहड़ी आशा राणी है, इन्हां नूं जिहड़े हेल्पलाइन वाले हुंदे आ उह लै के आए ने, ते इन्हां दे काफ़ी नील पए हुए पूरी बॉडी ते, ते देखण च लग रहा है कि हाँ काफ़ी सारी सट्टां लगियां इन्हां दे। सुपरफिशियल ब्रूजेस हैगे ने काफ़ी ज़्यादा, ते टाइम जो कलर ऑफ ब्रूज है उन्हां नूं देख के लग रहा है कि मतलब विद इन 1 वीक या 2 हफ्ते दी कुटमार चल रही है इन्हां दी।